Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Aisha Joshi and you are watching me on the channel of Achievers. So here it is 16th of July 2020 and we are going to take today's the Hindu news analysis. Okay, so jaise ki aap sabhi ko pata hai, before starting the news analysis hum ek aisa quotation aisa motivational ek cheez ek line lete hain jo ki kahin na kahin hamara din banane mein hamari help kar leta hai, hai na? तो आज की जो हमारी लाइन है या आज का जो हमारा कोट है, दैट इज़ द रियल सीक्रेट ऑफ पावर इज़ कॉन्शियसनेस ऑफ पावर. ऑब्वियसली इफ़ यू डोंट नो दैट यू हैव द पावर्स, देन यू हाउ वी विल यूज़ दोज पावर्स, एंड इफ़ यू विल नॉट यूज़ दोज पावर्स देन डेफिनेटली यू विल नॉट बी अ सक्सेसफुल पर्सन एट ऑल. सो इफ़ यू वॉन्ट टू टेक द or you want to know the real secret of power, you should know or you have to know the consciousness of power. It is written by Charles Hanel and basically हिंदी में बता देती हूँ मैं आपको इसका जो मतलब है इस लाइन का, दैट इज़ अगर आपके अंदर पावर्स हैं और आपको नहीं पता कि आप में पावर्स हैं, तो आप कैसे उन पावर्स को यूज़ लेकर सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेंगे. इफ़ यू डोंट नो दैट यू हैव द पावर ऑफ हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क एंड ऑल, देन हाउ विल यू यू नो यूज़ दोज पावर्स. आपके अंदर पावर, हर इंसान में पावर्स होती है, और वो पावर्स जब तक उस इंसान को पता ना हो, उसे कॉन्शियसनेस ही ना हो कि उसमें पावर्स है एंड इन पावर्स को कैसे, कहाँ, कब, क्यों यूज़ लेना है, तब तक वो पावर्स के लिए कोई यूज़ की नहीं है. सो इफ़ यू वांट टू यूज़ द पावर्स, इफ़ यू वांट टू नो द रियल सीक्रेट ऑफ पावर, देन यू शुड गो थ्रू द कॉन्शियसनेस ऑफ पावर. ओके, सो चलिए आज का न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट न्यूज़ इज जियो ऑफर्स 5 टेक टू डेवलप चीप स्मार्टफोन विथ गूगल. जियो ने ऑफ़र किया है 5 टेक, है ना, किसके साथ में, गूगल को ऑफ़र किया है, जिससे कि वो गूगल के साथ मिलकर चीप स्मार्टफोन जो है वो डेवलप कर सकें. गूगल ने 7.7% स्टेक जो है जियो के ख़रीद लिए हैं, जो कि करीब 33,737 करोड़ के हैं. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जियो प्लेटफॉर्म यूनिट हैज़ डेवलप्ड अ 5G टेक्नोलॉजी विच विल बी डिप्लॉयड इन इंडिया नेक्स्ट ईयर. ओके, एंड चेयरमैन, दिस वॉज सेड बाय द चेयरमैन मुकेश अंबानी ऑन वेंसडे. सो टू एड मास अडॉप्शन ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड टू एनेबल मिलियंस ऑफ 2G फीचर्स फोन्स यूज्ड और सॉरी यूजर्स टू ग्रेजुएट टू स्मार्टफोन्स, जियो एंड गूगल वुड पार्टनर टू डेवलप अ और डेवलप एन एंट्री लेवल 4G और इवन 5G स्मार्टफोन विथ Android operating system, Mr. Ambani added. Google also announced that it has agreed to invest 33,737 crores to acquire a 7.7% stake in Jio platform. Okay, Jio has designed and developed a complete 5G solution from scratch, Mr. Ambani told shareholders. Okay, at RIL's annual जनरल मीटिंग. सो हेयर सबसे बड़ी बात क्या आ रही है यहाँ पे, कि गूगल जो है उसने कहीं ना कहीं जियो से टाइप किया है, दोनों ने जो है इस चीज़ के लिए सहमति जताई है कि दोनों मिलकर पार्टनरशिप में जो है 5G नेटवर्क जो है उसे डेवलप करेंगे और लॉन्च करेंगे. जियो प्लान टू एक्सपोर्ट इट्स 5G सॉल्यूशन टू अदर टेलीकॉम ऑपरेटर्स globally as a complete managed service. Okay, once the technology was proven at India scale, the RIL chief said. Sundar Pichai, CEO of Google's parent Alphabet, said, through this partnership with Jio platforms, we see the chance to have an even greater impact than either company could have alone. भारत में अगर जियो का इतना बड़ा प्रभाव है और जियो बहुत ही प्रभावशाली कंपनीज़ में आती है, तो हम जियो के साथ अगर जुड़ते हैं तो हम डेफिनेटली उसका वो सारे इम्पैक्ट्स भी देखना चाहेंगे एंड वी आर गोइंग टू यूज़ ऑल दोज इम्पैक्ट्स. ओके, सो ये कहना है सुंदर पिचाई का, जो कि CEO है गूगल के, और समवेयर हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा जो है इनिशिएटिव है इंडिया के लिए, एक बहुत बड़ा स्टेप है जिसके अंदर गूगल जैसी सर्विसेज जो है वो हमारी इंडिया की टॉप मोस्ट जो है टेलीकॉम सर्विसेज, दैट इज़ रिलायंस,
उससे कनेक्ट होने जा रही है. सो हेयर इट इज़ अ गुड थिंग टू गो फॉर एंड दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव एट ऑल. और हम कह सकते हैं कि गूगल का जियो से कहीं ना कहीं पैचअप होना या इंटरनेशनल गूगल जो कि हम कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड लेवल पे काम करने वाली कंपनी है, उसका इंडिया के जियो के साथ में टाइप होना वो भी 5G टेक्नोलॉजी के लिए समवेयर शोज दैट इंडिया हैव अ गुड कमांड ऑन टेक्नोलॉजी एंड समवेयर ग्लोबली इट इज़ एक्सेप्टेड ऑल्सो. ओके सो इट वॉज ऑल अबाउट इट. द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ बेस्ड ऑन इकोनॉमी. इट इज़ अबाउट इन्फ्लेशन अलर्ट. जिस तरीके से प्राइजेज जो है राइज कर रहे हैं डिस्पाइट द डिप्रेस डिमांड इज़ कॉज फॉर डिसक्वाइट. डिमांड जो है वो डिप्रेस्ड है और वहीं राइजेस कंटिन्यूसली प्राइजेस जो है वो राइज अप कर रहे हैं. द लास्ट थिंग दैट इंडियाज़ पेंडेमिक हिट इकोनॉमी नीड्स इन एक्सेलरेशन इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन को एक्सेलरेट करने का कार्य जो है इंडिया की इकोनॉमी पेंडेमिक के दौर में किया देखा जा रहा है. एंड येट दैट इज़ प्राइसेसली वॉट द लेटेस्ट डेटा पॉइंट टू जून्स रिटेल इन्फ्लेशन रीडिंग ऑफ 6.1% इज वारिंग पर्टिकुलरली सिंस इट वॉज द फर्स्ट मंथ वेन इंडियन इकोनॉमी रीओपन्ड फ्रॉम द क्रिपलिंग लॉकडाउन्स ऑफ द प्रिसीडिंग टू मंथ्स वाइल द डिसरप्शंस कॉज्ड टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज अ रिजल्ट ऑफ द नेशन वाइड शटडाउन कैन टू एन extent explain the acceleration in price gains that this happened despite depressed demand is caused for disquiet. A closer look at the consumer price index CPI reveals that prices in the food and beverage group rose an average 7.3% year on year. Okay, so somewhere वी कैन से दैट ये जो कंडीशन आकर खड़ी हुई है ये कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को का रूप ले रही है. और जिस तरीके से पेंडेमिक के दौर में ये जो सारी सिचुएशंस जो है इफ़ेक्ट कर रही है ये इन्फ्लेशन को बढ़ावा देगी. और इन्फ्लेशन के बढ़ने से इकोनॉमी जो है काफ़ी देखिए एक जो है टाइम एक हम कह सकते हैं इन्फ्लेशन होना इट इज़ अ गुड थिंग. बट इन्फ्लेशन भी कई तरह के होते हैं और जो है इन्फ्लेशन जैसे कि हाइपर इन्फ्लेशन ले लीजिए स्टैगन इन्फ्लेशन ले लीजिए ये सारी चीज़ें जो है ये नुकसान ये जो हम कह सकते हैं पिच होते हैं या सिचुएशंस होती है इन्फ्लेशन की वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाती है. लेकिन हेयर ये कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो कहीं एक लेवल तक जो है होना चाहिए होना ज़रूरी भी है किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी में ग्रोथ को शो करता है ना. लेकिन अब इन्फ्लेशन बढ़ने की जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है उसी पर बेस्ड ये पूरा आर्टिकल है. ओके यू शुड गो फॉर इट एंड होपफुली ये एक कंसेप्ट जो है आपका ये इकोनॉमिक के एस्पेक्ट से कवर होगा. अच्छा मैं आपको बता देती हूँ कि यही आर्टिकल जो है हम लोग यूज़ लेंगे आज के हमारे इकोनॉमी के वीडियो में. आज हम लोग जो है इकोनॉमी का वीडियो लॉन्च कर रहे हैं जो कि इन्फ्लेशन बेस्ड है पूरी तरीके से. व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, कैसे काम करता है इन्फ्लेशन, क्या तरह के ऐसे इन्फ्लेशन होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे कौन से इन्फ्लेशन की स्टेज है जो किसी भी इकोनॉमी को प्लस में लेकर जाती है या पॉजिटिव साइंस दिखाती है. इट मींस कोई लॉस या हम कह सकते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है. इसके अलावा इन्फ्लेशन की स्टेजेस जो होती है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे और कौन कौन सी इकोनॉमी किस कब कब ऐसा इंसिडेंस हुआ है अब तक कि जो है ये सारी चीज़ें हुई है और इन्फ्लेशन साइकिल ये सारी चीज़ें ऑल अबाउट इन्फ्लेशन जो है आज के इकोनॉमी के वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं. सो अचीव आईएएस पे प्रोबेबली इवनिंग में जो है एक क्लास जो है लॉन्च कर दी जाएगी जो कि जो है आई होप कि वो लाइव क्लास होगी प्रीमियर किया जाएगा उसे. ओके सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस बिकॉज ये आर्टिकल जो है अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हुए हैं इस आर्टिकल में अभी भी तो आप उस वीडियो को जब देखेंगे तो आपके सारे आर्टिकल्स सारा जो कंसेप्ट है इन्फ्लेशन से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएगा. फिर जब आप इस आर्टिकल को अगेन एक बार हम लोग एंड में जब इस आर्टिकल को डिस्कस कर लेंगे आज के जो इन्फ्लेशन का वीडियो है उसके अंदर एंड में हम इस आर्टिकल को डिस्कस कर लेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. एंड इवन ये मेरी श्योरिटी है कि उस वीडियो के बाद इन्फ्लेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है कोई भी या कोई भी क्वेश्चन आता है
किसी भी लेवल पे, चाहे आप यूपीएससी ले लीजिए या स्टेट सर्विसेज ले लीजिए या बैंकिंग में है, एसएससी में, इन्फ्लेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है सो इट विल बी वेरी वेरी इजी टू आंसर दैट क्वेश्चन. सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस. आज ही हम लोग उस जो वीडियो को है लॉन्च करने जा रहे हैं. सो हमारे साथ जुड़िएगा और बिल्कुल एंजॉय कीजिएगा उस वीडियो को, एंड डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा और प्रॉफिटेबल होगा. ओके, तो आज का जो नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ बेस्ड ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स, द डे ऑफ दूधा. व्हाट इट इज़ बेसिकली, प्राइम मिनिस्टर अंड्रेज डूडा, या सॉरी, उनके री इलेक्शन हुए हैं संडे को और रन ऑफ विथ क्रिटिकल iterations of for Poland and ultra nationalist government which has been admired as in a standoff with the EU over the economy's slight yeah. सो दिस आर्टिकल इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन दूधा, जो पोलैंड पर बेस्ड है. पोलैंड के अंदर जो है प्रेजिडेंशियल इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं और संडे के को जो इलेक्शंस कंडक्ट हो रही इलेक्शंस हुए हैं और उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि उसके अंदर क्या कंडीशन रही है, दूधा की क्या कंडीशन रही है एंड व्हाट विल बी द पर्टिकुलर स्टेटस ऑफ इट. क्या जो है आगे क्या चॉइसेस देखने को मिलेगी, लोगों के पास क्या 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 चॉइसेस थी और उनको देखते हुए क्या जो है वोटर्स का क्या रेशियो रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई है. ओके, सो इस पेंडेमिक के दौर में क्या इफ़ेक्ट पड़ा है इन सारी चीज़ों का, ये सारी चीज़ें, ये सारे आर्टिकल, ये सारा जो इम्पैक्ट है पोलैंड के इलेक्शंस का वो यहाँ पे दिया गया है. ओके, द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ बेस्ड ऑन चाइनाज पोस्ट कोविड एग्रेशन इन रीशेपिंग एशिया. एशिया को रीशेप करने के लिए जो एग्रेशन है हमें दिखाई दे रहा है कोविड. देखिए, कोविड के बाद में हमें चाइना एक्सट्रीम एग्रेशन पे दिखाई दे रहा है. हमें दिखाई दे रहा है कि चाइना जो है काफ़ी हद तक एग्रेसिवनेस शो कर रहा है, चाहे आप एलिसी से रिलेटेड इश्यूज़ ले लीजिए, चाहे यूएस के साथ में उसके डिस्प्यूट्स ले लीजिए. इन सब चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं जो है एशिया अगेन रीशेप कर रहा है चाइना के इन सारे हम मूव्स को लेकर, है ना. इन इट मूव्स अ स्पर्रिंग सपोर्ट फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर इंडो पैसिफिक पार्टनर्स विथ देयर डिज़ायर फॉर यूएस लीडरशिप. इंडियाज़ डेडली एनकाउंटर विथ चाइना इन दी गलवान वैली इज नॉट एन आउटलायर इन बीजिंग्स रिसेंट बिहेवियर इन एशिया. ए चाइनाज कोरोना वायरस मास्क डिप्लोमेसी हैज़ गिवन वे टू टेंस जियो पोलिटिकल कन्फ्रंटेशंस विद अ ग्रोइंग एरे ऑफ इट्स नेबर्स फ्रॉम स्टैंड ऑफ विथ वियतनाम एंड मलेशिया इन द साउथ चाइना सी ऑफ टू थ्रेटनिंग ऑस्ट्रेलिया विथ बॉयकॉट्स ऑफ वाइन बीफ बार्ले एंड चाइनीज स्टूडेंट्स. सो देखिए, अगर ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो चाइना के जो रिलेशंस है गलवान वैली के साथ में भारत के साथ में बिगड़ते हुए नज़र आए, या चाइना का जो एग्रेशन है वो एलएसी से रिलेटेड गलवान वैली जो एरिया है वहाँ पे हमें रिसेंटली नज़र आया. उसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि एशिया के अदर जो नेम्स हैं जिनको मैं जो हम कह सकते हैं मेजर पावर्स में आते, जैसे ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, मलेशिया, वियतनाम, ये सारी कंट्रीज़ भी ऐसी, ये सारी ऐसी प्लेसेस हैं जो कहीं ना कहीं चाइना के एग्रेशन को हैंडल कर रही है, जैसे कि वाइन बॉयकॉट करना, बीफ बर्ले और चाइनीज़ स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें, ये सारे जो स्टेप्स हैं ये इन कंट्रीज़ के द्वारा, वियतनाम, मलेशिया जैसी या इवन ऑस्ट्रेलिया जैसी कंपनी कंट्री द्वारा चाइना के अगेंस्ट उठाए गए. इट मींस कहीं ना कहीं ये शो करता है कि ये सारी कंट्रीज़ जो है, या ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, या इंडिया ले लीजिए, जापनीज़ ले लीजिए, सभी कंट्रीज़ को एक डिफरेंट वे में चाइना को हैंडल करने की ज़रूरत पड़ रही है, एक डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट हो गई है. देखिए, कोई भी कंट्री किसी अदर कंट्री से
चीज़ें जो है अपने रिलेशनशिप्स जो है ख़राब नहीं करती है। उसका रीज़न क्या है, क्या जब तक कि उसका कोई ठोस रीज़न ना हो, जैसे कि चाइना के साथ में हमारी जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उसका इंडिया का एक अपना पर्टिकुलर रीज़न है। जैसे आप बॉर्डर इशूज़ ले लीजिए, LAC से रिलेटेड इशूज़ रिसेंटली वो भी जो है किसके चाइना के द्वारा क्रिएट किए गए थे। इसके अलावा चाइनीज़ गुड्स बॉयकॉट करने का जो हमारा डिसीज़न है वो जो है उनके चाइना के एग्रेशन जो उन्होंने गलवान वैली में दिखाया उसी का एक रिवर्स इफेक्ट था। उसके अलावा जो है मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करना भी एक दूसरा रीज़न रह चुका है चाइनीज़ गुड्स को बॉयकॉट करने का, है ना। सो समवेयर वी कैन से कि सारी कंट्रीज़ जो है अपने लेवल पे स्टेप्स उठा रही है। वो सारी कंट्रीज़ जो चाइना से बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स रखा करती थी, वो सारी कंट्रीज़ कहीं ना कहीं चाइना से जो है अपने रिलेशनशिप्स को जो है मेंटेन करने की कोशिश भी नहीं करना चाह रही है और इवन बिगड़ते चले जा रहे हैं जिनके साथ रिश्ते, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, चाहे आप अदर जो वियतनाम, जापनीज़, इंडियन, मलेशियन का जो कंट्रीज़ हैं ये सारी कंट्रीज़ ले लीजिए, कहीं ना कहीं ये सारी कंट्रीज़ चाइना के एग्रेशन को झेल रही है और चाइना की तरफ इनका रुख भी एक एग्रेसिव एटीट्यूड के साथ में रहा है। उसी के साथ में मैं आपको बता देती हूँ कि अमेरिका के साथ जो रिलेशन है वो भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड नज़र आए थे पिछले दिनों US और चाइना के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आए थे और उसका रीज़न था कि US का इंडिया के प्रति हाथ बढ़ाना। इंडिया जो कि एक बहुत US जो कि एक मोस्ट पावरफुल लीडर्स या कंट्रीज़ में से आती हैं, उनको जो है ये उनका सपोर्ट इंडिया के साथ में होना कहीं ना कहीं चाइना को थोड़ा सा बेचैन कर रहा था और उसी के चलते चाइना का काफ़ी एग्रेशन जो है वो हमें देखने को नज़र आया। तो देखिए COVID-19 की सिचुएशन जो ऑलरेडी जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो इट्सेल्फ आई कैन से चाइना ही रहा है, उसके बावजूद भी उसका जो रिस्पॉन्स या उसके जो रिएक्शंस आए चाइना के वो बिल्कुल भी सराहनीय नहीं थे। उसके बाद में COVID-19 के न्यूज़ आने और उसके जो ये महामारी का जो पूरा दौर चला, इन सब के बाद में अपने आप को ओवरकम करने के लिए, सुपर पावर्स में इन्वॉल्व करने के लिए चाइना का जो स्टेप रहा है COVID-19 के बाद का, जिसके अंदर वो खुद को पावरफुल प्रिटेंड कर रहे हैं, इवन दे वांट्स टू बी पावर द मोस्ट पावरफुल कंट्री और पावरफुल नेशन, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए चाइना जो है उसका एग्रेशन हमें क्लियरली नज़र आ रहा है। लेकिन इन सारी चीज़ों से जो है कहीं ना कहीं एशिया पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखिए हमारे जो ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशंस है काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। हम अगर बात करेंगे जापनीज़ लोगों के साथ, इट मीन्स जापान के साथ में, या हम बात करेंगे मलेशिया के साथ में, तो कहीं ना कहीं चाइना के साथ में रिश्तों में खटास पैदा होना या कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होना इंडिया के साथ में उनके रिलेशनशिप्स को जो है मजबूत बनाता है। जैसा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हाल ही में मिलिट्री लॉजिस्टिक को लेकर के वर्चुअल समिट एग्रीमेंट हुआ है ना, जो कि प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन के बीच में हुआ है ना, उसी तरह का एग्रीमेंट जो है दिल्ली टोक्यो के बीच में भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे बीच में जो हो रहे हैं, जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जो MOU साइन हो रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि चाइना के साथ में अदर कंट्रीज़ के रिलेशनशिप का ख़राब होना, क्योंकि जिन कंट्रीज़ के साथ में इंडिया के रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होते उसके पीछे जो कारण होता है, उसके पीछे जो एक हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली जो रीज़न हुआ करता है वो चाइना हुआ करता है। लेकिन जब किसी कंट्रीज़ से कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनसे खुद चाइना का जो रिलेशन है वो कहीं इफेक्टेड है, तो उसका इम्पैक्ट जो है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडिया पे देखने को मिल रहा है ना। तो समवेयर वी कैन से दैट चाइना जो है उनका जो एग्रेशन दिखाई दे रहा है हमें COVID-19 के बाद में, वो कहीं ना कहीं एशिया को रीशेप कर रहा है और उसमें इंडिया का काफ़ी जो है पॉजिटिव इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट या इंडिया के रिलेशनशिप जो हैं अदर कंट्रीज़ के साथ में वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। सो इट इज़ द बेसिकली वी कैन से दैट एशिया इज़ गोइंग टू बी रीशेप्ड एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ पोस्ट कोविड एग्रेशन ऑफ चाइना। ओके सो दिस आर्टिकल इज़ बेस्ड ऑन दिस। और उसके अलावा जो है अमेरिका और जियो पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया है, अमेरिका या हम कह सकते हैं US जो है वो क्या चाहता है, उसके क्या रीजंस चल रहे हैं, उसके क्या कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, और वो जो है चाइना के साथ में उसके संबंध या हमारे साथ उसके संबंधों के आधार पर क्या कहा जा सकता है, ये सारी चीज़ें जो है इस आर्टिकल में दी गई है। ओके
सो समवेयर यूएस वर्सेस चाइना, अगर हम बात करें, देखिए यूएस क्योंकि मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में आती है, अब चाइना वांट्स टू रिप्लेस यूएस। द रीज़न बिहाइंड दिस हम सभी को पता है कि पावर में आना किसी भी कंट्रीज़ को, किस कंट्रीज़ को अच्छा नहीं लगेगा। सभी कंट्रीज चाहती है वो अपने आप में पावरफुल रहे, पावरफुल नेशन के रूप में उभर कर सामने आए। तो वही घटनाक्रम जो है हमें यूएस और चाइना के बीच दिख रहा है, और चाइना का जो ये कहीं ना कहीं एग्रेशन जो दिखाई दे रहा है हमें सभी कंट्रीज़ के साथ में, उसके बिगड़ते जो रिश्ते नज़र आ रहे हैं, उसका भी रीज़न जो है यही नज़र आ रहा है कि वो अपने आप को पावरफुल नेशंस में सम्मिलित करना चाहती है। ठीक है, सो ये आर्टिकल जो है इसमें इसी इन्हीं सारी चीज़ों को एक्सप्रेस किया गया है। और अब आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि क्या वास्तव में चाइना जो है अपने अन्य देशों के साथ में, एशियन कंट्रीज़ या अदर नॉन एशियन कंट्रीज़ के साथ में अपने रिलेशनशिप को बिगाड़ते हुए किस तरीके से सुपर पावर्स में इन्वॉल्व हो सकती है। क्या ये पॉसिबल है कि आप किसी या खूब सारी कंट्रीज से अपने रिश्तों को बिगाड़ते हुए सुपर पावर्स में इन्वॉल्व हो जाएं, और क्या वो यूएस के साथ में अपनी इस टक्कर को ये जो है अंजाम दे पाएगी, सक्सेस की तरफ ले पाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इस आर्टिकल में दी गई है। ओके, द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ इट्स टाइम टू फ्लैटन द पेंडेमिक स्टीरियोटाइपिंग। पेंडेमिक से रिलेटेड जो स्टीरियोटाइपिंग है उसे फ्लैटन करने की ज़रूरत है, उस ग्राफ को फ्लैटन करने की ज़रूरत है। वो ग्रुप्स जो लेबल्ड हैं COVID-19 सुपर स्प्रेडर्स के रूप में रिप्रेजेंट सम ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कैटेगरी इन इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में काफ़ी वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। एंड अ सिंपल सर्च फॉर दी फ्रेज सुपर स्प्रेडर इन दी लेक्सिस नेक्सिस डेटाबेस ऑफ इंडियन न्यूज़ रिसोर्सेज फ्रॉम March 1 to June 1, 2020 ब्रिंग्स अप मोर देन 650 आर्टिकल्स। इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द रिलेवेंस ऑफ दिस वर्ड ड्यूरिंग द पेंडेमिक COVID-19 पेंडेमिक। ओके, सो देखिए अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा सुपर स्प्रेडर्स, काफ़ी न्यूज़ में रहा सुपर स्प्रेडर्स। क्यों रहा न्यूज़ में? हमने बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स देखे, बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो कहीं ना कहीं सुपर स्प्रेडर्स बन चुके थे, या जिन्हें नाम दे दिया गया था सुपर स्प्रेडर्स, मतलब जो COVID-19 को फैलाने का कार्य ही कर रहे हैं, है ना। तो समवेयर हम कह सकते हैं स्टीरियोटाइप पिंग जो है स्टार्ट हो गई, वो क्रिएट हुई इस पेंडेमिक में देखने को मिली हमें। तो उसे फ्लैटन, उसे रिमूव करने की ज़रूरत है। वो जो उछाल खा रहा है सुपर स्प्रेडर्स के रूप में, ये जो हम कह सकते हैं ये जो चीज़ें, ये जो र्यूमर स्प्रेड हो रहे हैं, ये जो हम जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने भी इस तरह का एक जो है स्टेप लिया है, जिसके तहत ही बताया गया है कि किसी भी तरीके से COVID-19 को स्प्रेड होने के पीछे जो है आप कोई फिक्स एक नेम नहीं दे सकते, या आप जो है किसी को किसी भी तरीके से आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, लेबल नहीं किया जा सकता किसी भी कम्युनिटी को। इंडिया में काफ़ी देखने को मिला तबलीगी जमात, देख लीजिए आप, या आप दूसरा और भी, जैसे कि चाइनीज़ मार्केट था, है ना, सॉरी चेन्नई का मार्केट था, तो उस मार्केट मद्रास के अंदर, है ना, सो वो मार्केट भी अपने आप में सुपर स्प्रेडर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि उस मार्केट से भी काफ़ी लोगों को पॉजिटिव जो है देखा गया। तो अगर हम बात करें कि ओवरऑल जो है ये पूरा अगर पेंडेमिक का टाइम लें, तो हमने एक टैग लेबल जो है क्रिएट कर दिए सभी कैटेगरीज़ में, और लोगों को सुपर स्प्रेडर्स का नाम दे दिया, जिन लोगों ने इसको जो है स्प्रेड किया, या हम कह सकते हैं जिन कैटेगरीज से स्प्रेड हुआ, है ना, उनको एक कैटेगरी दे दी हमने। सो ये जो एक टाइप है, ये जो एक तरीका है इंडिया के अंदर जो बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं सुधारने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता, जिन लोगों को होना था वो हुआ, और जिस तरीके से केसेस बढ़ने थे वो बढ़े, और उसके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीज़न होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस रीज़न को जो है सुपर स्प्रेडर या कोई दूसरा टैग पकड़ा दें। सो समवेयर वी हैव टू यू नो रिमूव दिस स्टीरियोटाइपिंग ऑफ पेंडेमिक, एंड हेयर वी हैव टू फ्लैटन द कर्व ऑफ दिस। ओके, तो दिस इज़ द टाइम जब हम लोग जो है किसी, अब जो केसेस बढ़ रहे हैं आप किसे इसका ब्लेम देंगे? क्या आप 1-2 महीने पहले जाकर के और जो घटनाक्रम्स हुए हैं, जितने भी घटनाक्रम हुए हैं, आप उसे ब्लेम करेंगे, या आने वाले टाइम में हो रहे घटनाक्रम को ब्लेम? देखिए समवेयर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो
आपको ये बताती है कि यहाँ पे ये चीज़ होने से ऐसा नहीं होता। जैसे कि अब जो हम चाइना को अगर हम कोविड-19 के लिए ब्लेम ही करना चाहें तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है हमारे पास, चाइना है ना। लेकिन क्या हम उसे कर सकते हैं? क्या किसी भी कंट्री ने किसी भी कंट्री के लीडर से ये सुना कि वो जो है चाइना को ब्लेम कर रहे हैं इस चीज़ के लिए? नो, दे वर ट्राइंग टू डू सो, एंड इफ दोज कंट्रीज हु आर ट्राइंग टू डू सो गॉट द टैग ऑफ सम अदर कैटेगरी, ओके। जैसा कि कुछ कंट्रीज ने डिमांड किया WHO से कि जो है आप चाइना को इसके लिए ब्लेम कीजिए, चाइना को रिस्पॉन्सिबल ठहराइए। तो ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं, और जो है WHO के स्टेप ना लिए जाने पर भी वो कंट्रीज जो है उन कंट्रीज के लीडर्स द्वारा जो है एग्रेशन दिखाया गया, ये दिखाया गया कि चाइना समवेयर WHO जो है वो चाइना को सपोर्ट भी कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिली। लेकिन क्या ये स्टेटमेंट सामने आया किसी भी कंट्री के लीडर द्वारा कि ये सारा किया धरा चाइना का है? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम किसी चीज़ के लिए किसी भी इंसान को रिस्पॉन्सिबल, किसी कंट्री को, किसी सिचुएशन को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। जो कंडीशन हमारे साथ में हो रही है या जो स्टेप जो अभी चाइना से कोविड-19 जो आया है वो किसी और कंट्री से भी आ सकता था। हमारी कंट्री से अगर उत्पन्न होता तब हम किसे टैग देते? क्या हमें अच्छा लगता कि कोई कंट्री या अदर जो है WHO जो है या कोई भी अदर कंट्री जो है इंडिया को ऐसा कोई टैग दे? तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। वही चीज़ है कि हमें इस पेंडेमिक के दौर में हमने काफ़ी स्टीरियोटाइपिंग देखी और काफ़ी हमने ऐसी सिचुएशंस देखी जहाँ पे जो है ब्लेमिंग का सिलसिला चला आ रहा है या सुपर स्प्रेडर्स के नाम दे दिए गए हैं, ये सुपर स्प्रेडर्स हैं, है ना, कैटेगरी दे दी गई, कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। तो वो सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है, नॉर्मलसी लाने की ज़रूरत है, और इन सारी चीज़ों को, इन सारे र्यूमर्स को, इन सारे एफर्टलेस एफर्ट्स को जो है रिमूव करने की ज़रूरत है। ओके, सो डोंट सपोर्ट ऑल दीज थिंग्स। एंड ये जो आर्टिकल आप पढ़ेंगे इसके अंदर यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्रोफाइल्स वर्क करती है, प्रोफाइल्स और कैसे जो है वेरिड मिक्स ऑफ प्रोफाइल्स यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा फॉल आउट भी बताया गया है। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है, उसका जो की सपोर्ट है, उसको भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, और सुपर स्प्रेडर्स का जो टैग है उसको रिमूव करने की या उसके पीछे क्या कारण है या आने वाले टाइम में उससे क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, ये सारी चीज़ों को जो है ये इंडियन सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए, इंडियन सोसाइटी के रिफॉर्म के लिए जो है क्या चीज़ें वैल्यूबल है और किन चीज़ों को रिमूव किया जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस आर्टिकल में बताई गई है। ठीक है, सो समवेयर हमने सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। एक आर्टिकल जो मैंने आपसे पूरी तरीके से डिस्कस नहीं किया, ये दूधा वाला आर्टिकल, लेकिन मैंने एक आउटलाइन आपको दे दी है, पोलैंड से रिलेटेड आर्टिकल है, उसके लीडर से रिलेटेड आर्टिकल है। ठीक है, तो ये जो उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आर्टिकल्स हमने यहाँ डिस्कस किए हैं, और एक जो है पॉलिटिकल न्यूज़ है जो कि मुझे नहीं पता, मैं पॉलिटिकल न्यूज़ आपसे डिस्कस नहीं किया करती हूँ, लेकिन क्योंकि काफ़ी जो है चर्चा में है सचिन पायलट और अशोक गहलोत, जो कि हमारे राजस्थान के ही हैं, और राजस्थान के CM अशोक गहलोत जो है उनके और सचिन पायलट के बीच में काफ़ी घमासान देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों में, और सचिन पायलट को जो है बाहर का एग्ज़िट का वे दिखा दिया गया है कांग्रेस से। इसी के चलते सचिन पायलट ने जो है अपनी चुप्पी तोड़ी है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू ज्वाइन BJP एट ऑल। तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो BJP को भी ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं। तो मतलब कांग्रेस और BJP, कांग्रेस से भी वो अपने आप को जो है बेदखल किए जा चुके हैं कांग्रेस से भी। और वहीं अगर हम बात करें BJP की, तो वहाँ उन्होंने क्लियर स्टेटमेंट दे दिया है दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू ज्वाइन दी BJP। समवेयर अगर हम बात करें सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट अपने आप में बहुत अच्छे नेता हैं, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड यहाँ पर रहा है उनका, लेकिन उनकी लोकप्रियता जो है लोगों में अशोक गहलोत जिसे थोड़ी सी कम है, और उसका भुगतान उन्हें इन दिनों देख करने को मिल रहा है। बट हेयर वी आर प्रेइंग दैट जल्दी ही ऐसे कोई पॉलिटिकल लीडर्स जो इतना कुछ सफ़र करते हैं इन सारी चीज़ों से, उन पे जो है उनको सही वे दिखना ज़रूरी है। तो लेट्स सी, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की नीड तो हमें है, डेफिनेटली है। अब कैसे है, या इलेक्शन बेस्ड रिफॉर्म्स की अगर मैं बात करूं, या हम बात करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स के रिफॉर्म्स की, तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। लेट्स सी कैसे हमारी सरकार इस पर कार्य करती है और कैसे जो है रीशेप किया जाता है इसे।
तो ये सारी चीज़ें जो है आज के आर्टिकल्स में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े हैं, और आप भी पढ़िए ये सारे न्यूज़ आर्टिकल्स। इसके यही जो आर्टिकल्स है जो आज हमने डिस्कस किए हैं वो आपके आगे जाकर एग्ज़ाम्स में काम आएंगे। इसलिए ये ना सोचिएगा कि हमने इतने ही आर्टिकल लिए हैं, मैं लिमिटेड आर्टिकल्स हम लोग यहाँ लेते हैं और सिर्फ वही आर्टिकल्स लेते हैं जो आने वाले टाइम में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो या काम आए, है ना। सो ऑल इट इज़ अबाउट दीज थिंग्स। एंड इसके अलावा कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको फिर भी बताया है कि इन्फ्लेशन जो है वो आर्टिकल हम लोग लेंगे आज हमारे इन्फ्लेशन के वीडियो के अंदर। इन्फ्लेशन को पूरी तरीके से क्लियर किया जाएगा आज के हमारी वीडियो में, जो इवनिंग तक आपको प्रोवाइड हो जाएगा अचीव आई एस के यूट्यूब चैनल पे। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अस, डोंट फॉरगेट टू टेक दिस वीडियो, जस्ट ऑलवेज बी देयर एंड वी विल डेफिनेटली बी यू नो द पिलर ऑफ योर्स। वी विल डेफिनेटली वर्क फॉर योर स्ट्रैटेजी, योर वर्क्स एंड योर स्टडीज, बिकॉज वी ऑल आर हेयर टू एक्सप्लोर द नॉलेज, वी ऑल आर हेयर टू शेयर द नॉलेज, एंड दैट्स वॉट वी आर डूइंग। अब कितना आपको लेना है, आप कितना उस पर जो है कर पाते हैं इफ़ेक्टिवली, वो चीज़ें आप पर इफ़ेक्ट कर पाती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आने वाले टाइम में पता चलेगा। बट हेयर मैं आपको ये अश्योरिटी दे सकती हूँ मेरी तरफ से कि जो भी आने वाले टाइम में हम चीज़ें अभी जो भी पढ़ रहे हैं वो आने वाले टाइम में आपके काफ़ी यूज़ आने वाली, चाहे आप कोई भी लेवल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी टाइप ऑफ दैट थिंग दैट यू वॉन्ट टू आस्क और शेयर, देन यू कैन गो थ्रू द कमेंट सेक्शन एंड जस्ट कमेंट मी, यू विल डेफिनेटली गेट योर आंसर। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। अगेन हम कल फिर से मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पे, और बिल्कुल बी अवेयर, बी देयर, आई विल बी वेटिंग फॉर यू।